So thank you and welcome to this Elder Hour and our Elders First Festival at 7:25 p.m. So today, of course, we have a very special guest here. And the topic for today is Kavya Ke Ras. And kyunki ye Elder Hour program hai, so aisa ho nahi sakta ki hum elders ke naam pe kuch char shabd na kahe. So starting with that, elders are so special with wisdom and pride. They are always offering love and kindness and are always there to guide. They often make us feel so confident and so strong. Their arms are always open wherever we hide. So Uttarakhand ke Nainital se sambandh rakhne wale Alokeshwar ji Hindi ke laadle geetkar hain. Hindi kavya mancho par unhe samman ke saath suna jata hai. Hans, Kadambini, तथा देश, दैनिक जागरण, पूर्ण नवा, ग्रह शोभा, सरिता, मेरी सहेली, विनीता, नंदन, बाल भारती आदि पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं ने स्थान पाया है. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे. और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ. बहुत धन्यवाद रितु. आपकी आवाज बहुत मीठी है, इसके लिए आप सबसे पहले बधाई स्वीकारें. जैसा आपने कहा कि कल सारा वार्तालाप आपसे मैंने हिंदी में किया, मैंने जानबूझकर किया. उसके पीछे कारण यह है कि मैं राजभाषा अधिकारी हूं और तो इसलिए ड्यूटी पर रहूं या न रहूं, हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहता हूं. इस कठिन समय में जो बहुत सारी चीजें छीनी हमसे और जो सबसे मैं ये मानता हूं जीवन में आवश्यक वस्तु है वो है मुस्कान. इसने मुस्कान छीनी कोरोना ने इस कठिन समय में हमसे. तो मैंने मुस्कान पे कई गीत लिखे हैं. मैं आज शुरू करूंगा मुस्कान के गीत से और सारे बड़ों के चरणों में प्रणाम के साथ. मैं जब भी अपनी काव्य पाठ आरंभ करता हूं तो चार पंक्तियों से आरंभ करता हूं. कैसे आरंभ करता हूं? लोग ईश्वर को अलग अलग जगहों पर देखते हैं. मैं कहां देखता हूं मैं आपको बताता हूं. यदि आपको भी वहीं दिखें जहां मुझे दिखते हैं तो मेरा समर्थन कीजिएगा. क्या कहता हूं? ये कहता हूं कि नरोली में न चंदन में मुझे भगवान मिलते हैं. नरोली में न चंदन में मुझे भगवान मिलते हैं. न पूजन अर्चन वंदन में मुझे भगवान मिलते हैं. मगर जब जब मैं छूता हूँ अपनी माँ के चरणों को उन चरणों की रचकण में मुझे भगवान मिलते हैं. तो यहाँ जितनी माएँ बैठी हैं उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं और इस तरह से उस ईश्वर को पाता हूं. और जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहता हूं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि पीर को आईना दिखाते हैं. क्या करते हैं आज हम लोग इस एक घंटे के इस कार्यक्रम में 45 एक मेरा एक 9:30 के बाद एक और कार्यक्रम है. तो इस 45-50 मिनट में हम लोग क्या करेंगे? आज हम करेंगे ये कि हम पीर को आईना दिखाते हैं. बेदर्द के हाथ नहीं आते हैं. ये जगत सुंदर सा हो जाए आइए जरा मुस्कुराते हैं. और मुस्कुराना क्यों चाहिए वो और आपको बता दूं कि रे जीवन तू जतन से मुस्कानों को थाम. मुस्कानों में कृष्ण है मुस्कानों में राम. और कह देता हूं कि नीरसता को रस देते हैं. नीरसता को आजकल नैराश्य सा छा गया है. अब तो खैर हम बहुत कुछ बाहर आ गए हैं इस काल से, लेकिन अभी भी हमें ये कह के डराया जा रहा है कि थर्ड वेव अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रही है. तो मैं बल्कि इस पटल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबसे एक बहुत विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब तक बहुत आवश्यक नहीं है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं. और ये जो जितने मेरे वृद्धजन हैं जितने मेरे बुजुर्ग हैं इनसे तो मैं करबद्ध निवेदन ये करता हूं कि पहले तो कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल न जाएं और यदि जाना भी पड़े आवश्यकता हो भी तो मास्क लगाकर जाएं. रघुनंदन के बाणों जैसी कभी न जाए खाली. रामबाण कहते हैं हमारे वहां, कहते हैं रामबाण है, रामबाण औषधि है, माने जिस जो अचूक होती है. तो क्या कह रहा हूं चाय के संबंध में देखिए कि रघुनंदन के बाणों जैसी कभी न जाए खाली. जादू प्यारे प्यारे करती गरम चाय की प्याली. जादू प्यारे प्यारे करती गरम चाय की प्याली. अब कैसे कैसे जादू करती है एक एक करके देखिए.
कि गर्माहट की इसकी यारो हम क्या बात बताएं, गर्माने हो ठंडे रिश्ते तो इसको अजमाएं, गर्माहट की इसकी यारो हम क्या बात बताएं, गर्माने हो ठंडे रिश्ते तो इसको अजमाएं, रंग नए नातों में भरती गरम चाय की प्याली, रंग नए नातों में भरती गरम चाय की प्याली, जादू प्यारे प्यारे करती गरम चाय की प्याली। और चाय क्या जादू करती है वो देखिए, कि जब नैनों को भाए कोई जब सपनों में आए, जब नैनों को भाए कोई जब सपनों में आए, जब कहना हो प्रेम हमें है मन लेकिन घबराए, जब कहना हो प्रेम हमें है मन लेकिन घबराए, अधरों की घबराहट हरती गरम चाय की प्याली, अधरों की घबराहट हरती गरम चाय की प्याली, जादू प्यारे प्यारे करती गरम चाय की प्याली। और क्या करती है गरम चाय की प्याली, जब जीवन में कठिन समय हो टूट रही हो जब लय, जब जीवन में कठिन समय हो टूट रही हो जब लय, कदम बढ़ाऊं या हट जाऊं मुश्किल हो जब निर्णय, जब आप अनिर्णय की स्थिति में हो तब चाय क्या करती है, घूंट घूंट में निश्चय भरती गरम चाय की प्याली, घूंट घूंट में निश्चय भरती गरम चाय की प्याली, जादू प्यारे प्यारे करती गरम चाय की प्याली। और ये सावन का मौसम अब आने वाला है, बरसात का मौसम आने वाला है, तब चाय की प्याली क्या गजब करती है, कविता देखिएगा, कि रिमझिम रिमझिम जब झरता हो अंबर नीला पानी, रिमझिम रिमझिम जब झरता हो अंबर नीला पानी, मन को सूझे मीठी मीठी जब कोई शैतानी, रिमझिम रिमझिम जब झरता हो अंबर नीला पानी, मन को सूझे मीठी मीठी जब कोई शैतानी, स्वप्न नयन का सच्चा करती गरम चाय की प्याली, जादू प्यारा प्यारा करती गरम चाय की प्याली, रघुनंदन के बाणों जैसी कभी न जाए खाली, जादू प्यारा प्यारा करती गरम चाय की प्याली। माँ पिता भाई गौरैया को और बिटिया को कैसे बुला रहे हैं देखिए, आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है, आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है, सुबह सुबह तू आई फिर से मीठा ताना बुला रहा है। जो मेरी माँ यहाँ पर बैठी हैं, अगर उनमें से कोई भी गांव से हैं, तो हमारी माँ क्या करती हैं कि रोज सुबह चिड़ियों के लिए दाना देती है, और अगर जिस दिन उन्हें दाना देने में देर हो जाए ना, तो चिड़िया ची 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 करके माँ को बुलाती है। वहां से मैंने ये गीत उठाया है, तब कहता हूँ, और आज वो आ नहीं रही, खाली है आंगन। आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है, सुबह सुबह तू आई फिर से मीठा ताना बुला रहा है, आंगन सूना सूना सा है, सूना देहरी द्वारा है, टेर टेर कर हेर हेर कर मन का माली हारा है, दो आंखों का तुझे न पाकर मुरझा जाना बुला रहा है, दो आंखों का तुझे न पाकर मुरझा जाना बुला रहा है, आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है। अब झोली में समेट कर बहुत प्रसन्न हूं, ये कवि सम्मेलनों में मिलने वाले 15-20-25 हजार रुपयों से कहीं ज्यादा है मेरे लिए। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। रितु जी, अगर हो सके तो यदि आपने कुछ फोटोज ली हो इस बीच में इस कार्यक्रम की, तो वो मुझे भेज दीजिएगा।
मेरे लिए ये संपत्ति रहेगी, दौलत रहेगी, जिसे मैं बड़े सहेज कर रखूंगा। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, संजना को धन्यवाद देता हूँ, जिन भी लोगों ने मुझे सुना, पसंद किया, आशीष दिया, उनको प्रणाम करता हूँ। और मेरे ख्याल से समय काफी हो चुका है, आप लोगों से फिर बाद में मिलेंगे। मैं चाहता हूँ अब आप इस कार्यक्रम को समाप्त कर दें। आप मुझसे धन्यवाद कहने की औपचारिकता बिल्कुल न करें, क्योंकि मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे धन्यवाद कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए सचमुच, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चाह के भी झूठ नहीं बोल पाता हूँ, ये मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा जैसा था। मतलब इन सब लोगों को सुनाकर मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैंने अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ इतनी देर बातचीत कर ली हो। तो मुझे ऐसा अवसर देने के लिए कि इतने सारे लोगों से एक साथ मुझे बात करने का मौका मिला, अपनी भावनाएं प्रेषित करने का मौका मिला, इसके लिए ऋतु जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, संजना को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अवसर यदि भविष्य में और आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।